ओके बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या खास है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। फिर क्या खास है इसमें इतना जो मैं बोल रहा हूँ कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। देखो, मैं एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और ये वो रूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस रूल को? अफबाउज रूल। और इसको फॉलो करके, जो ये सांप सीढ़ी सी है, इसको फॉलो करके हम कर रहे हैं। अब मैं बोलूं कि हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। Ne, इसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, 3s1। तो आज मेरा टारगेट है ये चीज सिखाना, ये और वाली चीज सिखाना कि ये शॉर्ट में कैसे लिखी जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमें आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये शॉर्ट वाली कैसे लिखी जाएगी, दिस इज आर टारगेट। ठीक है जी। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। मैंने बोला इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे लिखोगे। इसका शॉर्ट कुछ इस तरह से बनेगा, आर्गन 18 एंड 4s2। अब क्वेश्चन यही चल रहा है हमारे माइंड में कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो हमें आती है 1s2, 2s2, ये टू जो मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कैसे लिखी जाएगी। तो अब देखो, जरा ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन का भी बेस यही है, बस फर्क क्या है कि हम उसमें नोबल एलिमेंट का कंपैरिजन कर लेते हैं, नोबल एलिमेंट डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, उसके लिए मैं स्लाइड टू दिखाता हूँ। देखो, अब देखो यहाँ पे ये है हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। तो जब भी हमने कोई शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जब भी, तो हम उसमें नोबल एलिमेंट्स का यूज करेंगे, नोबल एलिमेंट्स का यूज करेंगे। जैसे नियोन है, तो नियोन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया। इसकी मैं पूरी सीरीज अभी बना के आपको सिखाऊंगा। उससे पहले एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे हीलियम है और नियोन है, इसके बीच में जैसे आपका आ गया नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे इसके बीच में आ गए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपने ध्यान रखना है हीलियम और नियोन के बीच में जो भी एलिमेंट आते हैं उनकी शॉर्टकट के साथ हीलियम लगेगा, नियोन और आर्गन के बीच में जो भी एलिमेंट आते हैं उनकी शॉर्टकट में नियोन लगेगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2, 2s2, 2p3, 7 हो गया। इसका शॉर्टकट कुछ इस तरह से बनेगा, हीलियम ये 2 हो गया, 2s2, 2p3, ये तरीका है। अब इसी तरह से मान लो मैंने बोला एल्युमिनियम का लिखो, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना आ गया 1। तो इसका शॉर्टकट देखो कैसे बनेगा, नियोन और आर्गन के बीच में आएंगे ना, तो नियोन नोबल एलिमेंट यूज हो जाएगा। तो ये हो गया नियोन और ये हो गया हमारा 3s2, 3p1। अब बच्चों को कंफ्यूजन पता कहाँ होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो सर ये लिख रहे हैं 2s 2p या 3s 3p, इसका मुझे आइडिया कैसे लगेगा कि मैंने 2s से शुरू करना है या 3s से शुरू करना है। जैसे मैंने पीछे करवाया, पीछे भी मैंने ऐसे ही करवाया, जैसे आर्गन के बाद 4s से शुरू किया हमने, तो ये चीज कैसे लेनी है, ये कैसे पता चलेगा। तो अब हम इसको सीखते हैं कैसे पता चलेगा, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये अब इस स्लाइड से आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, जब भी मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। एक तो ये, इसे कहते हैं अफबाउ रूल, और एक ये नोबल एलिमेंट्स की सीरीज। अब आप इसे देखो, नोबल एलिमेंट की सीरीज देखो ध्यान से। आपको मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, नोबल एलिमेंट की सीरीज का शॉर्टकट क्या है। हीरो ने हमारा को औरों जीरो बनाया, जीरो को बनाया। जीरो बनाया, ये बन गई हमारी शॉर्टकट जो आपको 10th में भी बताई थी और पहले भी, इससे पहले भी बताई हुई है। ये शॉर्टकट बन गई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन।
तो जब भी कभी आपने शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो ये बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ऐसे लिख देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 का मतलब होता है 1s, 2 का मतलब 2s 2p वाली सीरीज चलेगी, 3 का मतलब है 3s 3p 4s वाली सीरीज चलेगी, 4 का मतलब है 4s 3d 4p वाली सीरीज चलेगी, 5 का मतलब है ये 5s 4d 5p, इसी तरह से 6 का मतलब है 6s 4f 5d ये वाली सीरीज चलेगी। तो आपको आइडिया लग गया कौन सी सीरीज कहाँ चलेगी। अब इसका आप एटॉमिक नंबर भी याद रख लो, इसका एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10, आसान है याद रखना, ये 18 तक तो हमें याद ही है, उसके बाद डबल कर लो 36, फिर इसका एक और 18 ऐड कर लो, ये हो गया 54 और ये हो गया 86, तो ये वाला तो कम यूज होता है, 54 तक काफी यूज होता है। अब आपने देखो क्या करना है, जैसे अब मैंने बोला कि मुझे कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो आपने इसके हिसाब से देख लेना है, क्योंकि हमने नोबल से कंपैरिजन करना है, तो नोबल से कंपैरिजन करना है तो 18 और जो आपका 20 है वो किसके बीच में आता है, 18 और 36 के बीच में आता है, तो आर्गन लिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा इस तरह से आर्गन, और इस सीरीज के बाद वाली सीरीज यूज होगी, यानी 4 वाली सीरीज यूज होगी, तो ये हो जाएगा 4s2 और इसको लिखना है 18, आर्गन 18 होता है, चेक करो हो गया, 20 हो गया, चेक करो, आ गया समझ में, देखो 20 हो गया, इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आई होप अब आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया, एक बार दोबारा बताता हूँ, दोबारा समझो कैसे। मान लो मैंने कोई भी एलिमेंट दिया कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप शॉर्ट में इसको नोट कर लो, हीरो ने औरों को जीरो, इसको इकट्ठा कर लो, जीरो बनाया, उसके बाद इसकी 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 इसको डिनोट करता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर भी लिख लो, ताकि आपको जो भी दिया हो आप उसे कंपेयर कर पाओ, जैसे 2, 10, 18 तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 18 ऐड कर दो, इसमें 18 ऐड कर दो, लास्ट वाला याद रख लो, ये आपका 86 हो जाएगा, सो जस्ट कीप इन माइंड। अब मैं इसी तरीके से मैं कुछ और देता हूँ, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, जैसे मैंने बोला जिंक करो, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो हरसिमरन करो ट्राई, कैसे करोगे, देखो जिंक किसके किसके बीच में आता है, जिंक 40 है, किसके बीच में आएगा, क्रिप्टॉन एंड क्रिप्टॉन और जिनोन और आर्गन और क्रिप्टॉन किसके बीच में आएगा, बोलो हरसिमरन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन, यानी आपका आर्गन हो जाएगा जहां से स्टार्ट होगा। अब मैंने बताया आपको जब इसके बीच में आए तो ये वाला नंबर आता है, जैसे इन दो के बीच में आया ना तो नेक्स्ट सीरीज का नंबर आता है 4s, चलो बोलो क्या बनेगा, 4s2, बाकी सीक्वेंस यही फॉलो होगी, 4s के बाद क्या आता है 3d, 3d कितना, 3d ये हो गया 18 और 2 20 और ये 10 आ गया। तो अब इसका दूसरा लिख के देखो, देखो ऐसे ही था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, देखो ऐसा ही था ना, तो ये वाली चीज हो गई आर्गन शॉर्ट में 18। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग के बाद या अपने आप एक्स्ट्रा बुक खोलोगे ना तो एक्स्ट्रा बुक में वो क्या करते हैं, वो बड़ी वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही नहीं है, वो इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे, आपके बुक में भी शॉर्ट में और बड़ी में दोनों में है, बट हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे ना तो वो शॉर्ट में ही लिखी हुई है। तो यही मैं सिखा रहा हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में कैसे लिखनी है बाय यूजिंग नोबल एलिमेंट्स। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम नोबल एलिमेंट्स का यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे, हम इस सीरीज को याद कर लेंगे, मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया याद करने का, फिर हम 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेंगे, 1 का मतलब है 1s, 2 का मतलब है 2s से शुरू होगा, 3 का मतलब है 3s से, 4 का मतलब है 4s से शुरू होगा, 5 का मतलब है 5s, 6 का मतलब है 6s, उसके बाद ये सीरीज फॉलो होगी, जैसे 1s है, 2s में क्या क्या है, 3s में कैसे होगा, ये पूरी जो ये सांप सीढ़ी है जिसे हम कहते हैं फाउ रूल, ये यूज होगा। अब हमने देखना क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है, जैसे हमें कोई भी एलिमेंट दिया, लेट अस से कैल्शियम दिया, तो हमारा कैल्शियम किसके बीच में आता है, हमारा कैल्शियम आता है आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में, तो आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में आता है तो 4s वाली सीरीज शुरू होगी, आर्गन स्टार्टिंग लिया जाएगा और 4s वाली सीरीज शुरू करेंगे। अगर हमारा नियोन और आर्गन के बीच में आता है तो नियोन स्टार्टिंग लिया जाएगा शॉर्टकट में और 3s से शुरू करेंगे। अगर हमारा एलिमेंट क्रिप्टॉन और जिनोन के बीच में आता है तो
तो क्रिप्टॉन शॉर्टकट में लेंगे और 5s से शुरू करेंगे। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। मैं लेट अस से आई एम गिविंग यू अ सीजियम, सीजियम इज 55, सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55। अब यहां से हम कंपेयर करते हैं और करते हैं, तो इस टाइम सीजियम एटॉमिक नंबर 55। चलो हरसिमरन आप बताओ सबसे पहले क्या करेंगे सीरीज में, क्या देखेंगे पहले तो ये देखेंगे किस में आ रहा है। 55 आ रहा है आपका एक्सी और आरएन के बीच में, यही आ रहा है ना, इसके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब शॉर्टकट क्या बना, एक्सई। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 54। उसके बाद सीक्वेंस कहां से शुरू होगा, नेक्स्ट वाले से 6s, कहां से होएगा 6s1। वन बस हो गया, दिस इज अ वे टू डू दिस। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो। ऐसा करते क्यों हम वैसे बेटा, एक्चुअली इट इज अ मेथड टू सेव योर टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो मैं तो बच्चों को ये लॉन्ग कट वाली ही सिखाता हूँ, बट जैसे जैसे क्लासे बढ़ेंगी तो ये वाले से कम होगा, इस शॉर्टकट से ज्यादा होगा, और ये शॉर्टकट वाला बाय प्रैक्टिस ही आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा। चलो एक और ट्राई करते हैं। पूर्वांशी चलो आपकी बारी, यू हैव ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। बोलो इसको सबसे पहले नोबल में कंपेयर करो किसके बीच में आएगा, 18 आर्गन और क्रिप्टॉन। तो हमारा शॉर्टकट क्या बनेगा, हाँ हमारा शॉर्टकट क्या बनेगा, आर्गन। आर्गन उसके बाद कहाँ से शुरू होगा, 4s। बोलो यस सर। 4s2 कितने हो गए, ये हो गए 20। 4s के बाद सीक्वेंस देखो कौन सी जा रही है, 4s के बाद क्या आता है, 3d। 3d 10 कितना हो गया, कितना हो गया, अगर मैं 3d 10 डालूं, 20 और 10 30, तो 3d के बाद कौन सा आता है, 4p। 4p कितना डालूं, कितना बेटा 4p, काउंट करो ना, 18 20 30, 5 आएगा, p में 6 तक आ सकते हैं, तो ये 5 आएगा। तो यू गॉट इट, गॉट द कंसेप्ट, हाउ टू राइट शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो और बच्चों से भी ट्राई करवाते हैं, लो जी देखो अब यहाँ पे ट्राई करवाते हैं, अब शॉर्टकट के लिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ट्राई करवा सकते हैं, एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे ट्राई करवाएंगे। सो लेट अस नाउ टेक एलिमेंट, लेट अस से सिलिकॉन, हम ले लेते हैं अभी सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। चलो मुकुट आप बताओ, यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, ये साथ में देखो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। 1 का मतलब है 1s से शुरू करना है, 2s 3s 4s 5s 6s। बोलो सिलिकॉन किसके किसके बीच में आता है सर, नियॉन आर्गन। सिलिकॉन आता है 14, तो ये नियॉन और आर्गन, तो शॉर्टकट क्या हुआ, नियॉन सर 10, यस सर नियॉन हो गया। उसके बाद 3s से शुरू करेंगे, बोलो यस सर, 3s 3s 2 3p 2 3p 2। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो और कौन ट्राई करना चाहता है, और हम ले लेते हैं अब इस बार लेट अस से आयरन, आयरन हैज 26। अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट दे दिया आयरन, आयरन हैज एटॉमिक नंबर 26। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलो वंशिका आप बोलो इसका शॉर्टकट, वंशिका बोलिए आर्गन। सबसे पहले किसके किसके बीच में आता है पहले मुझे ये बताओ, ताकि बच्चों को मेथड भी रिवाइज हो जाए। आयरन एंड क्रिप्टॉन, यस सबसे पहले आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मतलब 18 चला गया। उसके बाद कहां से शुरू करेंगे, 4s से, 4s2। 4s के बाद किसकी बारी आती है, 3d कितना, हो गया 26। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो एक और ले लेते हैं और किसी बच्चे से ट्राई करवा लेते हैं, लेट अस से इस बार हम ले लेते हैं टिन, एस एंड टिन 50, एस एंड टिन एटॉमिक नंबर 50। तो यहाँ पे हम इस बार ले लेते हैं एस एंड टिन एटॉमिक नंबर 50। अब मैंने बोला हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मेथड यही है, आपको मेथड मैंने सिखा दिया कैसे लिखना है,
तो बताओ कौन बताना चाहता है अपने आप ही? प्रभजीत यू ट्राई, प्रभजीत बोलो सबसे पहले। देखो ये किसके बीच में आता है 50, ये किसके किसके बीच में आता है? हाँ ये आता है आपका क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, तो शॉर्टकट में आया हमारा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। 36 के बाद, 36 के बाद कौन सा आएगा? देखो ये 5s से शुरू हो जाएगा, ये रहा 5s 2, 5s के बाद कौन आता है 4d, 4d 10 इतने हो गए, ये हो गए। उसके बाद 4d के बाद कौन आता है 5p, 5p 2, चेक करो 50 हो गया, तो 10 और ये 4 और ये, हाँ 50 हो गया। तो इसके साथ हमें शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गई, किस तरह से लिखी जाएगी। सो सी, एक बार हम दोबारा से सारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। देखो सबसे पहले हमें ये रूल याद होना चाहिए, ये रूल जिसे हम कहते हैं अफ बाउ रूल, कि 1s के बाद क्या आता है, 2s के बाद क्या आता है, 3s के बाद क्या आता है, 4s के बाद क्या आता है, 5s के बाद क्या आता है, 6s के बाद क्या आता है। मैं इसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ, सांप सीढ़ी, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है इसलिए। अब इसके साथ साथ हमें नोबल एलिमेंट का सिक्वेंस याद होना चाहिए। तो नोबल एलिमेंट का सिक्वेंस कैसे याद होगा, इसका मैंने शॉर्टकट आपको बताया था। क्या शॉर्टकट बताया? हीरो ने औरों को जीरो जीरो बनाया, तो ये हमें शॉर्टकट याद हो गया। अब इसके साथ जो हुंड्स रूल है उसका सीक्वेंस लगा दो, इसे 1 कहते हैं मतलब 1s, इसे 2 कहते हैं मतलब इन दोनों के बीच में 2s से शुरू होगा, ये नियॉन और आर्गन में 3s से शुरू होगा, अगर कोई एलिमेंट आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में आएगा तो 4s से शुरू करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन के बीच में आए तो क्रिप्टॉन के बाद 5s, ज़ीनॉन और रेडॉन के बीच में आए तो ज़ीनॉन के बाद 6s से शुरू करेंगे। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बताई। एक मैं और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपका जिंक है, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे हमारा जिंक है तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जो हमारा 30 है वो किसके किसके बीच में आ रहा है? आर्गन एंड क्रिप्टॉन के बीच में, यानी आर्गन हमारा नोबल हो जाएगा और 4s से हमारी स्टार्टिंग होगी। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन के बीच में आए तो क्रिप्टॉन हमारा नोबल हो जाएगा और 5s से स्टार्टिंग होगी, 5s के बाद ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका यूज कहाँ होता है? इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज अपना प्लस टू लेवल से थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाता है, प्लस वन में थोड़ा यही रहता है 1s 2s वाला, बट इस शॉर्टकट का यूज प्लस टू लेवल से आप देखोगे कई टीचर इसी शॉर्टकट से करते हैं, उनको इजी लगता है क्योंकि ये माइंड में रहता है उनके और ये इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। बच्चे क्या सोचते रह जाते हैं कि मैडम ने आर्गन लिखा, आर्गन के बाद 4s से कैसे शुरू कर लिया? तो ये मैंने आपको बताया कि ये सारी सीक्वेंस उनके माइंड में होती है और इस तरीके से उनकी कैलकुलेशन हो जाती है और वो बड़ी से बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फटाफट कर लेते हैं। जैसे कई बार हमें जरूरत पड़ता है ना कि लास्ट शेल कौन सा है, तो शॉर्टकट मेथड से हम लास्ट शेल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। बाकी 1s 2 2s 2 लिखें तो उसमें हमें काफी टाइम लगेगा। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और प्लस टू में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आगे भी केमिस्ट्री में ये चीज काफी हेल्पफुल रहती है। तो अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है खूब, ठीक है जी? तो अब आपने इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करनी है।